साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निर्देशक न्यूज में। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे साथी, कल 30 नवंबर को एक बड़ा कार्यक्रम था और सफल कार्यक्रम रहा कल का। शिक्षक अनुदेशक शिक्षा मित्र एवं रसोइयों का, समस्त कर्मचारियों का कल लखनऊ इको गार्डन में कार्यक्रम हुआ और सफल भी रहा, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा पीड़ित लोग एकत्रित हुए और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की। साथियों यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, मन का झुकना भी ज़रूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, कल संवैधानिक अधिकारों को लेकर, पेंशन से लेकर, नियमितीकरण से लेकर और मानदेय बढ़ोतरी को लेकर आवाज़ बुलंद की गई लखनऊ के गार्डन में। पूरा समाचार विस्तार से अंदर शिक्षा विभाग समाचार के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम हर अपडेट से आपको रूबरू कराते रहें। तो सम्मानित साथियों चलते हैं आज की इस खास खबर की ओर। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश विशेष शिक्षा विभाग लखनऊ अनुदेशक शिक्षक उत्तर प्रदेश पदनाम अनुदेशक कार्य सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय नियुक्ति 2013 में तनख्वाह 7,000, 2016 में 1,470 वृद्धि हुई, 2017 में 17,000 स्वीकृत हुआ, 2018 में 13,230 की लगभग रिकवरी हुई और 2019 में 17,000 का कोर्ट ऑर्डर भुगतान नहीं किया गया। 2021 में भी 7,000 रुपये मिल रहे हैं पीड़ित अनुदेशकों के लिए। इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने के लिए संवैधानिक दायरे में रहते हुए कल आवाज़ बुलंद की गई। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर महारैली, बड़ी संख्या में कर्मचारी इको गार्डन पहुंचे। इको गार्डन में कर्मचारियों ने हुंकार भरी अपने अधिकारों को, अपने संवैधानिक अधिकारों को लेकर सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम के मुख्य बिंदु मांग पत्र के रूप में दिए गए, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली और अनुदेशक शिक्षा मित्रों के नियमितीकरण को रखा गया है और साथ ही रसोइयों के मानदेय बढ़ोतरी के लिए आवाज़ बुलंद की गई, जो कि बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ। लेकिन आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे, किसी भी मीडिया ने इसको कवरेज नहीं किया, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी समाचार वायरल हो रहे हैं। साथियों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अपने अनुदेशक न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर पूरा वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पूरा वीडियो, क्या कहा हमारे शिक्षक लीडर्स ने।
साथियों, आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर हुंकार भरी गई है शिक्षक कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर और अपनी आवाज़ बुलंद की गई सरकार तक कि सरकार पूरा करे। अब तक आपने देखा ये हाइलाइट्स। मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपनी बात को रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय अनुदेशक, जय शिक्षा, वंदे मातरम।